सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, जो कि बीसीसीआई ने कर दिया है भारतीय टीम के पूरे कंफर्म ओडीआई स्क्वाड का ऐलान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए। जो कि ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम में कई बड़ी बड़ी चेंजेस देखने को मिली है, जो कि टीम से कई दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है। तो वही टीम में लंबे समय से बाहर चल रहे खिलाड़ियों की भी वापसी हुई है, जबकि टीम में कई जबरदस्त यंग प्लेयर को भी शामिल किया गया है। जो कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम के 15 खिलाड़ियों का मजबूत स्क्वाड ऐलान किया है। तो आज हम इस वीडियो में इसके पूरे कंफर्म ओडीआई स्क्वाड आपको बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं भारतीय टीम के स्क्वाड में ओडीआई सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे पर सबसे पहले 2 T20, उसके बाद 5 ODI मैचों की सीरीज खेली जाएगी। और इस 5 ODI मैचों की सीरीज के लिए जहां ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड पहले से ही अनाउंस हो गया था, तो वहीं अब बीसीसीआई ने भी कर दिया है भारतीय टीम का स्क्वाड का ऐलान इस 5 ODI मैचों की सीरीज के लिए, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट के 2 ODI और पूरे T20 सीरीज से बाहर रहने वाले विराट कोहली की वापसी हो गई है भारतीय टीम में। तो वहीं टीम इंडिया के जबरदस्त फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो चुकी है भारतीय टीम के स्क्वाड में। जबकि हैरान करने वाली बात यह रही कि टीम से दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, खलील अहमद और शुभमान गिल को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, यानी कि इन सारे खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। हालांकि विजय शंकर टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तो वहीं KL राहुल के भारतीय टीम के ओडीआई स्क्वाड में भी वापसी हो चुकी है, जो कि इन्हें एज अ थर्ड ओपनर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए बीसीसीआई ने पहले 2 ODI मैचों के लिए अलग टीम का ऐलान किया है, तो इसके बाद बाकी बचे 3 ODI मैचों के लिए भी अलग टीम का ऐलान किया है। यानी कि टीम में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो पहले 2 ODI मैचों के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड का हिस्सा है और लास्ट के 3 ODI मैचों के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं है। तो बिना देरी के भी चलिए बात कर लेते हैं भारतीय टीम के पूरे कन्फर्म ओडीआई स्क्वाड के बारे में कि वो कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं भारतीय टीम के स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए। जो कि पहले 2 ODI मैचों के लिए बीसीसीआई ने 15 खिलाड़ियों का टीम स्क्वाड ऐलान किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि नंबर 1 पर है विराट कोहली कप्तान, नंबर 2 पर है रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, नंबर 3 पर है शिखर धवन, नंबर 4 पर है अंबाती रायडू, नंबर 5 पर है केदार जाधव। तो वहीं इसके बाद नंबर 6 पर है महेंद्र सिंह धोनी, जबकि नंबर 7 पर है हार्दिक पांड्या। तो वहीं इसके बाद नंबर 8 पर है जसप्रीत बुमराह, जबकि नंबर 9 पर है मोहम्मद शमी। तो वहीं इसके बाद नंबर 10 पर है युजवेंद्र चहल, जबकि नंबर 11 पर है कुलदीप यादव। तो वहीं इसके बाद नंबर 12 पर है विजय शंकर, जबकि नंबर 13 पर है ऋषभ पंत। तो वहीं इसके बाद नंबर 14 पर है सिद्धार्थ कौल, जबकि नंबर 15 पर है KL राहुल। दोस्तों, ये रहा भारतीय टीम का स्क्वाड पहले 2 ODI मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि स्टार्टिंग के 2 ODI मैचों के लिए टीम में भुवनेश्वर कुमार को शामिल नहीं किया गया है, उनकी जगह पर सिद्धार्थ कौल को शामिल किया गया है। दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं भारतीय टीम का स्क्वाड लास्ट के 3 ODI मैचों के लिए, यानी कि 3rd, 4th और 5th ODI मैचों के लिए कुछ इस तरह से है भारतीय टीम का स्क्वाड। जो कि नंबर 1 पर है विराट कोहली कप्तान, नंबर 2 पर है रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, नंबर 3 पर है शिखर धवन, नंबर 4 पर है अंबाती रायडू, नंबर 5 पर है केदार जाधव, नंबर 6 पर है महेंद्र सिंह धोनी। तो इसके बाद नंबर 7 पर है हार्दिक पांड्या, जबकि नंबर 8 पर है जसप्रीत बुमराह। तो इसके बाद नंबर 9 पर है भुवनेश्वर कुमार, जबकि नंबर 10 पर है युजवेंद्र चहल। तो इसके बाद नंबर 11 पर है कुलदीप यादव, और इसके बाद नंबर 12 पर है मोहम्मद शमी, जबकि नंबर 13 पर है विजय शंकर। तो इसके बाद नंबर 14 पर है KL राहुल, जबकि नंबर 15 पर है ऋषभ पंत। दोस्तों, ये रहा भारतीय टीम का स्क्वाड लास्ट के 3 ODI मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले 5 ODI मैचों की सीरीज के शेड्यूल के बारे में, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है नॉस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि एक कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़ी ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इसी और सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी और कौन सी टीम कितना ज़्यादा रन स्कोर करेगी। और वहीं इस ऐप की खास बात यह भी है कि जो भी पैसे आप जीतेंगे 2 या 3 घंटे के अंदर अपने पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। तो खेलो, जीतो और पैसे कमाओ। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके शेड्यूल के बारे में, तो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 ODI मैचों की सीरीज का पहला ODI मैच 2 मार्च को हैदराबाद में खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा ODI मैच 5 मार्च को नागपुर में खेला जाएगा, जबकि तीसरा ODI मैच 8 मार्च को रांची में खेला जाएगा। तो वहीं इसके बाद चौथा ODI मैच 10 मार्च को मोहाली में खेला जाएगा, जबकि पांचवा और आखिरी ODI मैच 13 मार्च को दिल्ली में खेला जाएगा।
और सभी मैच 1:30 से स्टार्ट होंगे दोपहर में, यानी कि 1:30 PM से। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी ओडीआई सीरीज। और वहीं क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपके पास लगातार वीडियोज की नोटिफिकेशन पहुंच जाए।